तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी NCV यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के बारे में। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को EMG के बारे में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे विजिट करें। और आज हम स्टार्ट करते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के बारे में। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर सकूं। तो NCV में क्या होता है, हम जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती है जैसे कि रेडियल नर्व हो गई, मीडियल नर्व हो गई या फिर पैरोनियल नर्व हो गई, इन सारी नर्व्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन EMG के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हमारी जो मसल्स की जो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं। तो उसके अंदर हम मसल्स को चेक करते हैं मेनली, और NCV के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती है तो उनको चेक करते हैं। तो उनकी कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है, कंडक्शन वेलोसिटी मतलब कि एक नर्व की कोई भी इम्पल्स लेके जाने वाली जो, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं, तो उसकी कितना फास्ट वो कैरी करके लेके जा रही है वो इम्पल्स पेरिफेरल नर्व, तो वो हम चेक करते हैं NCV के अंदर। तो पेरिफेरल नर्व्स जो होती है वो सेंसरी भी हो सकती है, मोटार नर्व्स भी हो सकती है या फिर मिक्स्ड नर्व्स भी हो सकती है। मिक्स्ड यानी जो सेंसरी और मोटर दोनों होती है। तो ये सारी टाइप की जो नर्व्स है हम NCV से चेक कर सकते हैं। तो जो कॉमन सेंसरी नर्व्स हम लोग चेक करते हैं NCV से, तो अपर लिम के अंदर है रेडियल नर्व, अल्नार नर्व और मीडियन नर्व, और लोअर लिम के अंदर है सुराल नर्व और सुपरफिशियल पैरोनियल नर्व। तो ये सारी जो सेंसरी नर्व्स हम कॉमनली NCV से चेक करते हैं, और जो मोटर नर्व्स हम कॉमनली चेक करते हैं NCV से, तो अपर लिम के अंदर है मीडियन नर्व, अल्नार नर्व और रेडियल नर्व। ये दोनों सेंसरी मोटर दोनों में आएंगे क्योंकि ये मिक्स्ड नर्व्स होती है। और लोअर लिम के अंदर फीमोरल नर्व, शियाटिक नर्व या फिर टीबियल नर्व, पैरोनियल नर्व। तो ये सारी जो नर्व्स है हम लोअर लिम के अंदर चेक करते हैं मोटर के लिए। सो नाउ आई विल टेल यू वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग NCV, यानी कि NCV करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो जब भी हम NCV करते हैं तो हमें एंड में कुछ वेव फॉर्म्स मिलते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि कौन कौन से वेव फॉर्म्स हमें मिलते हैं। तो वो वेव फॉर्म्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कोई न्यूरोमस्क्यूलर डिसऑर्डर तो नहीं है जिसके अंदर हमारी पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व है। जैसे किसी को सैटरडे नाइट पालसी हो गया है और उसकी जो रेडियल नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, यानी कि उसको न्यूरोप्रेक्सिया हो गया है, तो फिर हमें NCV से ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जो पेरिफेरल नर्व्स है उसके अंदर कोई लीजन तो नहीं है। तो ये पेरिफेरल नर्व के अंदर अगर कोई लीजन होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम NCV यूज़ में ले सकते हैं। और NCV से हमें ये भी पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कौन सी साइट पे नर्व के अंदर लीजन हुआ है। जैसे कि कोई हमारी रेडियल नर्व थी उसको एल्बो के लेवल पे वहाँ पे उसकी इंजरी हो गई थी, तो हम क्या करेंगे, दो साइट के ऊपर चेक करेंगे। जैसे मैंने एक रिस्ट लेवल के ऊपर चेक किया और एक आर्म के लेवल के ऊपर NCV चेक की, तो हमें ये पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ से जो रीडिंग हम देंगे वो स्लो होगी, यहाँ से जो हमें रीडिंग मिलेगी वो स्लो होगी और यहाँ से जो हम रीडिंग लेंगे वो नॉर्मल होगी। तो उससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो लीजन है वो कहाँ पर है। तो जो NCV होता है उससे हम एग्जैक्टली लोकलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर जो साइट है लीजन की। उसके अलावा NCV से हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि कोई पेरिफेरल नर्व इंजरी है पेशेंट को या फिर कोई मसल या फिर न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन या फिर हमारे जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स है उसके अंदर कोई लीजन है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो लीजन, जो डिसऑर्डर आया है वो पेरिफेरल नर्व का है या फिर कोई दूसरी मसल या फिर कोई दूसरी वजह से उसको वो डिसऑर्डर हुआ है। और एक बार अगर हमें पता चल गया कि जो डिसऑर्डर हुआ है वो पेरिफेरल नर्व की वजह से हुआ है या फिर कोई मसल की वजह से हुआ है, तो हम करेक्ट डायग्नोसिस भी कर सकते हैं उस पेशेंट का। तो जो NCV होता है वो करेक्ट डायग्नोसिस करने के अंदर भी मदद करता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले मोटर नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम पेशेंट के ऊपर ये अप्लाई भी करते हैं तो अभी हम जो मोटर नर्व स्टडी है वो पहले करते हैं और सेंसरी जो नर्व का है वो बाद में करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोटर नर्व स्टडी हम जब पहले कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमें कितना इंटेंसिटी के अंदर करंट देना है और एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर हमें नर्व को स्टिमुलेट करना है, तो वो हमें पता चल जाता है। इस वजह से हम जब पेशेंट के ऊपर भी करते हैं तो हमें मोटर नर्व कंडक्शन पहले करना, परफॉर्म करना चाहिए बजाय सेंसरी के।
मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी के अंदर होता क्या है, इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को ये मीडियन नर्व बताई है, नॉर्मली ये जो नर्व होती है वो येलो कलर से अपन करते हैं, लेकिन मेरे पास मार्कर था नहीं येलो, इसलिए मैंने आप लोगों को ग्रीन के अंदर बताई है। तो ये जो पूरी हमारी मीडियन नर्व है और इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब भी हम मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं तो हम दो पॉइंट के ऊपर ये जो पूरी नर्व है इसकी दो साइट हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम इस नर्व को स्ट्यूमुलेट करेंगे। तो इसके अंदर टोटल दो साइट के ऊपर हम नर्व को स्ट्यूमुलेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर मैंने एक रिस्ट लेवल के ऊपर मैं स्ट्यूमुलेट करूँगी इस नर्व को, और दूसरा मैंने एल्बो का जो लेवल है वो सेलेक्ट किया है। और इसके अंदर वही जैसे मैंने आप लोगों को EMG के अंदर बताई थी, एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होती है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड होती है। तो ये जो मीडियन नर्व है वो आगे जाके अबडक्टर पोलाइसिस ब्रेविस को सप्लाई कर रही है। तो इसकी मसल बैली के ऊपर मैं जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है, जो हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, उसको प्लेस करूँगी, और जो हमारा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट होता है, MCP जॉइंट होता है, उसके ऊपर मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को रखूंगी। और जो हमारी ग्राउंड इलेक्ट्रोड होती है उसको हम कोई भी बोनी प्रोमिनेंस, कोई भी आसपास जो नियरेस्ट बोनी प्रोमिनेंस होता है, या फिर जो स्ट्यूमुलेटर और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच में मैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड को रख सकती हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मसल की बैली है उसके ऊपर मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड रख दी है, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हम उसके टेंडन के ऊपर रखते हैं, तो ये मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख दी है। तो जब भी हम स्ट्यूमुलेट करते हैं तो स्ट्यूमुलेटर जो होता है, हैंड हेल्ड स्ट्यूमुलेटर से हम जो नर्व है उसको स्ट्यूमुलेट करते हैं, तो उसके अंदर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो ब्लैक वाला होता है वो कैथोड होता है और जो दूसरा वाला होता है वो एनोड होता है। तो जो भी हम स्ट्यूमुलेटर यूज़ में ले रहे हैं तो उसका जो कैथोड होता है और जो हमारा ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है या फिर जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है, वो दोनों हमेशा पास पास में होनी चाहिए। मतलब कि हमें एनोड को इस तरफ नहीं रखना, बजाय ये जो ब्लैक वाला जो कैथोड है उसको हमारे जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसके पास पास में रखना है। तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हो, जो ब्लैक है हमें उन दोनों को पास पास में रखना है, यानी कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड और जो कैथोड है, ये जो हमारा स्ट्यूमुलेटर है उसका जो कैथोड वाला पार्ट है, इन दोनों को हमें साथ साथ में, उन दोनों को पास पास में हमें रखना है। तो नॉर्मली जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इनके लिए हम सरफेस इलेक्ट्रोड्स यूज़ में लेते हैं, लेकिन ओकेशनली हम निडल इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर पेशेंट के बहुत ज़्यादा इडिमा है उस पार्ट के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यू है, तो उन केसेस के अंदर हम निडल इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रिस्क रहता है ट्रॉमा का, इसलिए ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते, ओकेशनली हम निडल इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ में लेते हैं। तो अब मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी चेक करने के लिए हम दो साइट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने पहली डिस्टल साइट सेलेक्ट कर ली रिस्ट वाली, तो जैसे ही यहाँ पे जो हमारी नर्व स्ट्यूमुलेट होगी तो आगे जाके अबडक्टर पोलाइसिस ब्रेविस को स्ट्यूमुलेट करेगी, और वहाँ पर हमें एक ब्रिस्क मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और उसके बाद में एक वेव फॉर्म बनेगी। और जैसे ही हमने डिस्टल वाला कर लिया, फिर हम प्रॉक्सिमल वाली साइट के अंदर हम स्ट्यूमुलेटर से नर्व को स्ट्यूमुलेट करेंगे, और फिर वो आगे जाके मसल को एक ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन देगी, और जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है वो रिकॉर्ड कर लेगी, और हमें एक ग्राफ देखने को मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो ग्राफ क्या होता है। तो जैसे ही हम स्ट्यूमुलेटर से यहाँ पे नर्व को स्ट्यूमुलेट करते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पर एक पीक देखने को मिलेगा आपको। जब आप ग्राफ देखोगे तो वहाँ पर एक पीक देखने को मिलेगा। तो वो पीक किस वजह से आया है, जैसे हम नर्व को स्ट्यूमुलेट करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पर हमें ग्राफ में एक पीक देखने को मिलेगा, और फिर जैसे ही इसको नर्व को हमने स्ट्यूमुलेट कर दिया, और अब नर्व क्या होगी, वो वहाँ से कंडक्ट करके लेके जाएगी इम्पल्स को और मसल को देगी। तो इस पूरे टाइम पे जब वो कंडक्ट करके लेके जा रही, जैसे वो स्ट्यूमुलेट हुई और वो इम्पल्स को कंडक्ट करके लेके जा रही है, और फिर उसने न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन को क्रॉस किया, जो हमारी मसल थी उसको डीपोलराइज किया, तो ये पूरा जो टाइम पीरियड जो होता है वो लेटेंसी कहलाता है। तो इस टाइम पे आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये जो पूरा होता है वो लेटेंसी होती है। जो स्टार्टिंग का जो पीक होता है वो ये बताता है कि जो हमारी जो नर्व है वो उस पॉइंट पे स्ट्यूमुलेट हुई, और फिर वो जो इम्पल्स कैरी करके लेके जाती है और न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन को क्रॉस करती है, और फिर जो मेम्ब्रेन, मसल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करती है, तो वो वाला जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। और जैसे ही मसल मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है और वहाँ पे एक मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ब्रिस्क मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उस टाइम पे
हमें ग्राफ के अंदर कुछ इस टाइप का दिखाएगा। ये होता है डीपोलराइजेशन, और फिर जब वो वापस से रीपोलराइजेशन हो जाता है तो कुछ इस टाइप का हमें जो ग्राफ होता है वो देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड होता है ये लेटेंसी कहलाता है। लेटेंसी मतलब जो इम्पल्स को कैरी करके लेके जाने वाला जो टाइम पीरियड होता है, और वो फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करता है, मसल को डीपोलराइज करता है, तो ये वाला जो पूरा पीरियड होता है वो लेटेंसी होता है। तो ऐसा कि ऐसा ग्राफ इसका भी बनेगा प्रॉक्सिमल, जहाँ पे हम स्ट्यूमुलेट करेंगे साइट को, और ऐसा कि ऐसा ग्राफ जब हम डिस्टल साइट को स्ट्यूमुलेट करेंगे तो वो वैसा कि वैसा ग्राफ इस टाइम पर भी बनेगा। तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है उसको हम बोलते हैं स्ट्यूमुलस आर्टिफैक्ट, जो कि जैसे ही हम स्ट्यूमुलस देते हैं और उस टाइम पे ये जो इनिशियल डिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्यूमुलस आर्टिफैक्ट। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया इसको बोलते हैं हम लेटेंसी, और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं एम वेव। तो ये वाली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं एम वेव। तो अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कुछ वेव फॉर्म्स ऐसे बनते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई न्यूरोपैथी है या फिर नहीं है। तो अब वो इस वेव फॉर्म से कैसे देख के पता चलता है? तो इसके अंदर जो आप लोगों को ये एम वेव दिख रही है, तो इसके अंदर अगर सपोज करो कि जो पेशेंट आया उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से लेके जो उसका जो पीक है, इस पूरे को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो सपोज करो कोई पेशेंट आया और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम हो गया, तो जो एम्पलीट्यूड है वो हमें ये बताता है जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतने ही ज़्यादा जो यहाँ पे जो मसल फाइबर्स है वो रिक्रूट हुए, उतने ही ज़्यादा जो मसल फाइबर्स है वो डीपोलराइज हुए। लेकिन कोई पेशेंट आया उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जॉन्स थे हमारे उनके अंदर कुछ लॉस हुआ, यानी कि एग्जॉनल कोई न्यूरोपैथी है, उसी की वजह से मसल फाइबर्स है फिर वो भी कम रिक्रूट हो पाए। तो इस वजह से अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वो कुछ टाइप की एग्जॉनल न्यूरोपैथी को बताता है, या फिर जो एरिया होता है, ये जो पूरा आप लोगों को एम वेव दिख रही है इसका ये जो पूरा एरिया है अगर वो भी कम आ रहा है, यानी कि कोई पेशेंट आया और उसका सिर्फ इतना सा ही वो एरिया बता रहा है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि जो मसल फाइबर्स है वो कम रिक्रूट हो रहे हैं। तो अगर एरिया भी कम आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई टाइप की न्यूरोपैथी है। तो जितना ज़्यादा एरिया होता है और जितना ज़्यादा वो एम्पलीट्यूड होता है इसका, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उतने ही ज़्यादा मसल फाइबर्स जो है वो रिक्रूट हो रहे हैं। लेकिन अगर उसका एम्पलीट्यूड एरिया वो सारा कम हो रहा है तो वो कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ टाइप की उधर न्यूरोपैथी है। तो जो पैरामीटर्स हम सेलेक्ट करते हैं स्ट्यूमुलेटर का, ताकि हम जो पेरिफेरल नर्व है उसको स्ट्यूमुलेट कर सके, तो वो होता है जो ड्यूरेशन हम सेलेक्ट करते हैं वो होता है 200 ms मिलीसेकंड्स, और जो इंटेंसिटी हम सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा याद रखना सुपरा मैक्सिमल इंटेंसिटी सेलेक्ट करते हैं हम, तो वो रहता है 20 से लेके 50 मिली एम्पियर के बीच में रहती है इंटेंसिटीज की। तो ये हम पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं स्ट्यूमुलेटर का, जो कि फिर आगे जाके हमारी जो पेरिफेरल नर्व है उसको स्ट्यूमुलेट करती है। अब ये जो मोटर नर्व है इसकी पूरी कंडक्शन वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये जो इसकी जो वेलोसिटी है, यानी किस स्पीड से ये जो इम्पल्स को कैरी करके लेके जा रही है, अगर हम ये निकाल देंगे और ये नॉर्मल वैल्यू से अगर कम आया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लीजन प्रेजेंट है और उसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई है। तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके अंदर हम उसी फॉर्मूला का यूज़ में लेंगे इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए। इसके अंदर ये जो कंडक्शन डिस्टेंस है, ये बेसिकली ये जो प्रॉक्सिमल स्ट्यूमुलेटर है और ये जो डिस्टल स्ट्यूमुलेटर है, इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर पुट करनी है। और नॉर्मली ये हमेशा याद रखना कि जो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है हम नॉर्मली मैक्सिमम 10 cm जितनी रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते, वरना कुछ एरर्स आ सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है हम मैक्सिमम 10 cm तक हम रख सकते हैं। तो इधर हम डिस्टेंस प्लेस करेंगे और जो कंडक्शन टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉक्सिमल लेटेंसी हमने निकाली थी और जो डिस्टल लेटेंसी है, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कंडक्शन टाइम आ जाएगा। और फिर जब हम ये दोनों पुट कर देंगे और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी मोटर कंडक्शन वेलोसिटी की, अगर वो हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो नॉर्मल जैसे मीडियन नर्व की जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे अगर कम आएगी, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई लीजन प्रेजेंट है नर्व के ऊपर।
जो नॉर्मल मोटर कंडक्शन वेलोसिटी अपर लिम्ब की होती है वो लाए करती है 40 से 55 मीटर पर सेकंड के अंदर, और जो लोअर लिम्ब की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो नॉर्मल लाए करती है 50 से 70 मीटर पर सेकंड के बीच में। तो इधर अगर कुछ आ रही है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, लेकिन सपोज करो कि अपर लिम्ब के अंदर जो कंडक्शन वेलोसिटी आई वो 30 आई या फिर 25 आई, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई न्यूरोपैथी है। अब हमने पहले तो बात की थी मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी के बारे में, अब हम बात करेंगे सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडी के बारे में। अब नाम से पता चल रहा है सेंसरी नर्व्स यानी कि जो सेंसेशंस लेके जाती है हमारी नर्व्स, तो उसके उसको हम इवेल्युएट करेंगे। जो पिछली बार अभी हमने देखा था वो था मोटर नर्व्स को, यानी कि जो हमें आगे जाके जो कॉन्ट्रैक्शन कराती है मसल्स को, तो उन मोटर नर्व्स को हमने इवेल्युएट किया था। अब हम सेंसरी नर्व्स को इवेल्युएट करेंगे। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को मीडियन नर्व का एक एग्जाम्पल फिर से बताया है। तो इसके अंदर ये मीडियन नर्व है, तो इसके अंदर हमें अगर आपको ये समझना है तो इसके अंदर आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जो है ऑर्थोड्रॉमिक कंडक्शन और एंटीड्रॉमिक कंडक्शन। तो इन दोनों का अगर आपको पता चल गया तो इसको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जो ऑर्थोड्रॉमिक कंडक्शन होता है, ऑर्थोड्रॉमिक कंडक्शन का मतलब होता है जो नॉर्मल हमारा जो नर्व्स का जो फिजियोलॉजिकल कंडक्शन होता है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सेंसरी नर्व है, तो सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है, जो भी सेंसेशन जैसे कि यहाँ पे मैंने पिंच किया या फिर कुछ भी इसको स्ट्यूमुलस मिली, तो जो सेंसरी नर्व्स क्या करेगी, उस स्ट्यूमुलस को लेकर जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, यानी कि इसका जो पाथवे होगा वो ऐसा रहेगा कि डिस्टल से वो प्रॉक्सिमल की तरफ जाएगी। तो वो होता है नॉर्मल हमारा ऑर्थोड्रॉमिक कंडक्शन, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडक्शन होता है। लेकिन ये तो था ऑर्थोड्रॉमिक कंडक्शन, लेकिन जो एंटीड्रॉमिक कंडक्शन होता है वो क्या होता है कि सपोज करो स्ट्यूमुलस यहाँ से यहाँ पर नहीं जा रही बजाय उल्टी जा रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, यानी कि जो स्ट्यूमुलस है वो प्रॉक्सिमल से डिस्टल डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो वो जो वो होता है एंटीड्रॉमिक कंडक्शन। एंटीड्रॉमिक में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा जो फिजियोलॉजिकल कंडक्शन होता है उसके अपोजिट वो चलती है, वो जो स्ट्यूमुलस होती है हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो कंडक्शन होता है उसके अपोजिट रन करती है। तो हमारा जो ऑर्थोड्रॉमिक कंडक्शन होगा वो कैसे रन करेगा कि यहाँ पर मैंने कोई भी नेल पिंच किया या फिर कुछ भी उसको पेन हुआ, हीट लगी, तो जो स्ट्यूमुलस यहाँ से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फिर वो जो स्ट्यूमुलस को लेकर जाएगा, तो वो वाला जो पाथवे होता है जो यहाँ से यहाँ पर जाता है तो वो होगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पाथवे जो होता है ऑर्थोड्रॉमिक। लेकिन अगर सपोज करो जो इम्पल्स है वो यहाँ से डिस्टली की तरफ जा रही है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो वो हो जाएगा एंटीड्रॉमिक कंडक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टर्म्स समझ में आ गई होगी, ताकि आप लोगों को आगे मैं अच्छे से समझा सकूं। अब सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडी को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक स्ट्यूमुलेटर यूज में लेते हैं जो कि हमारी नर्व को स्ट्यूमुलेट करे, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जैसे कि हमने मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी के अंदर भी देखा था और ईएमजी के अंदर भी देखा था। लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी में हमने क्या किया था, दो साइट को स्ट्यूमुलेट किया था, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही साइट को हम स्ट्यूमुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हम एक ही स्ट्यूमुलेटर लेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था अभी एंटीड्रॉमिक और ऑर्थोड्रॉमिक। तो जैसे सपोज करो इसके अंदर मुझे मैंने मीडियन नर्व का एग्जाम्पल लेते हैं, इस मीडियन नर्व को मुझे एंटीड्रॉमिक एक्टिवेशन कराना है। एंटीड्रॉमिक एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, इम्पल्स जो होती है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडक्शन से अपोजिट रन करती है, मतलब कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडक्शन क्या है, सेंसरी नर्व यहाँ से सेंसेशन लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो ये हमारा ऑर्थोड्रॉमिक कंडक्शन था, और एंटीड्रॉमिक कंडक्शन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से फिंगर्स के पास जाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्यूमुलेटर लगाऊंगी और इस नर्व को स्ट्यूमुलेट करूंगी तो जो हमारी इम्पल्स होगी वो उस तरफ रन करेगी, और जो एक्टिव और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स है हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये एक हो गया हमारा एमसीपी जॉइंट के ऊपर हम एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और एक डिस्टल फेलेंजियल जॉइंट के ऊपर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड्स आती है वो एक रिंग इलेक्ट्रोड्स आती है, वो कुछ इस शेप की होती है, और वो हम अपनी जो रिंग के अंदर हम लगा सकते हैं। तो इसके अंदर रिंग इलेक्ट्रोड्स आती है,
तो रिंग इलेक्ट्रोड्स हम एक तो एमसीपी जॉइंट पे लगा देंगे जो हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हम हमारा जो डिस्टल फेरिंजियल जॉइंट है उधर प्लेस कर देंगे, और जो नॉर्मल जो डिस्टेंस रहती है इन दोनों के बीच में वो आप नॉर्मली 4 सेंटीमीटर लेना, नॉर्मली 4 सेंटीमीटर जितनी डिस्टेंस एक्टिव और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में रहती है। तो जैसे ही हम स्ट्यूमुलेटर से स्ट्यूमुलेट करेंगे तो ये जो नर्व्स है जो स्ट्यूमुलेट हो जाएगी, ये ऐसे कंडक्शन लेके जाएगी, इम्पल्स को लेके जाएगी, और यहाँ पे हम एंटीड्रोमिक एक्टिवेशन करा देंगे। और अगर हमें ऑर्थोड्रोमिक एक्टिवेशन कराना पड़ेगा तो ये बस इसका जो पोजिशन होगी वो अलग हो जाएगी, जो रिंग इलेक्ट्रोड्स होगी वो स्ट्यूमुलेटर की तरह एक्ट करेगी। ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो इम्पल्स है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जा रहे, तो यानी कि उसका जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे रहता है, तो हमें यहाँ पर ही स्ट्यूमुलेट कराना पड़ेगा, तभी तो हमारी जो इम्पल्स होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर रन करेगी। तो इस वजह से अगर हमें ऑर्थोड्रोमिक एक्टिवेशन कराना है तो जो हमारी रिंग इलेक्ट्रोड्स है वो एक स्ट्यूमुलेटर की तरह इस बार एक्ट करेगी, यानी कि वो नर्व को स्ट्यूमुलेट कराएगी, और हम जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे ये मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड रखा और 4 सेंटीमीटर दूर मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख दिया, तो अब ये जो है वो रिकॉर्डिंग का काम करेगी, ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो रिकॉर्डिंग का काम करेगी, और ये जो रिंग इलेक्ट्रोड्स है वो स्ट्यूमुलेट करेगी नर्व को, और जैसे ही नर्व स्ट्यूमुलेट होगी तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन इस डायरेक्शन के अंदर लेके जाएंगे, और यहाँ पे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख देंगे। तो अगर आप लोगों को एक बार ऑर्थोड्रोमिक और एंटीड्रोमिक कंडक्शन के बारे में पता चल गया कि जो ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन होता है वो पेरिफेरी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो जब हमें ऑर्थोड्रोमिक एक्टिवेशन भी कराना होगा तो हम नॉर्मली पेरिफेरी को हम स्ट्यूमुलेटर की तरह एक्ट करवाएंगे और हम रिकॉर्डिंग पीछे करेंगे, यानी एक्टिव और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम इस डायरेक्शन पे रखेंगे। लेकिन अगर हमें एंटीड्रोमिक एक्टिवेशन कराना होगा तो हम यहाँ पर स्ट्यूमुलेटर रखेंगे और नर्व को स्ट्यूमुलेट कराएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन उस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो इस वजह से हमें एक्टिव और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हमें अपनी फिंगर्स के ऊपर रखनी पड़ेगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एंटीड्रोमिक किसके अंदर कराना है और ऑर्थोड्रोमिक हमें कब देना होता है। तो नॉर्मली जो हमारी मीडियल नर्व और अल्नार नर्व होती है उसके लिए हम ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा बेटर उनके लिए रहता है। और जो हमारी रेडियल नर्व हो गई या फिर जो सुराल नर्व हो गई उसके लिए हम नॉर्मली एंटीड्रोमिक कंडक्शन प्रेफर करते हैं। तो ऐसे आप लोग एंटीड्रोमिक एक्टिवेशन और ऑर्थोड्रोमिक एक्टिवेशन करा सकते हैं। इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड फिर जो रिकॉर्ड करेगी और फिर जो ग्राफ बनेगा वो भी कुछ इस टाइप का ही बनता है। इसके अंदर जो लेटेंसी होता है उसका फर्क होता है, इसके अंदर जो लेटेंसी होती है वो बहुत कम होती है। जो मोटर नर्व के अंदर तो लेटेंसी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस कर रहा था, फिर मसल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर रहा था, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमारी सेंसरी नर्व है, और सेंसरी नर्व आगे जाके मसल को इनर्वेट नहीं कर रही है मोटर नर्व की तरह, तो इस वजह से ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेती है पहुंचने के अंदर, क्योंकि इसको ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करना है ना मसल को डीपोलराइज करना है, तो इस वजह से इसके अंदर जो लेटेंसी होगी वो बहुत कम होगी। बाकी जो ग्राफ होता है वो ऑलमोस्ट उसके जैसा ही रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने अपना पूरा ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करना।